केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ के दो बड़े हादसे, पहला हार्मनी होटल के मालिक ताराचंद पुरी का रातों रात गायब हो जाना और कुछ बेहद कम अंतराल बाद ही आनंद हॉस्पिटल के निदेशक हरिओम आनंद का आत्महत्या कर देना। इन दोनों ही घटनाओं ने मेरठ के जनमानस को हिलाने के साथ ही यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि आखिर मेरठ को किसकी नजर लग गई है। बैंक लोन के कर्जे में आए ताराचंद पुरी के गायब होने के बाद ही हरिओम आनंद पर वह रकम वापसी का शहर के अमीरों ने दबाव बना दिया था जो उन्होंने ब्याज पर दी थी। उन्हें यह डर सता रहा था कि कहीं ना कहीं हरिओम आनंद भी गायब ना हो जाए। दबाव इतना बढ़ा कि हरिओम आनंद को आत्मघाती कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा। अब 5 साल बाद न्याय की उम्मीद जगाए ताराचंद पुरी ने एक पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है। इसमें आरोप लगाए गए किस तरह राजनीतिक संरक्षण में उनके मैनेजर आदिल खान ने नवीन अरोड़ा, अमित चांदना, प्रवीण सरीन, शिखर परासर, उमेश अरोड़ा, रजत अरोड़ा, परविंदर त्यागी उर्फ बिल्लो आदि ने उनके होटल, घर, महंगी गाड़ियों व लाइसेंस से हथियारों पर कब्जा कर लिया। 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत के हारमनी होटल को 22 करोड़ रुपए का बैंक से सेटलमेंट कर कब्जा लिया गया। आज भी होटल का बिजली बिल उनके नाम से जमा हो रहा है। बेहद दुर्दिन में समय काट रहे ताराचंद पुरी ने अब मुख्यमंत्री योगी से न्याय की गुहार लगाई है। आज इस बारे में जब फर्स्ट बाइट डॉट टीवी ने ताराचंद पुरी से बात की तो उन्होंने अपनी कहानी कुछ इस तरह से बयां की। हेलो, हाँ जी, नमस्कार भैया, रवि शर्मा बोल रहा हूँ, फर्स्ट बाइट न्यूज चैनल। नमस्कार भैया। भैया, ये अखबार में छपी है क्या पूरा मामला है? भैया जी, ऐसा है, मैं अपने परिवार के साथ जी मार्च 18 में मैं गया था उज्जैन बाबा के दर्शन करने और अपनी कार डिजायर से। तो वहाँ जब हम इंदौर पहुँचे तो वहाँ 9 मार्च को जी, तो मेरे बेटे को खबर पता लगी वहाँ किसी से, ये खबरें हमारे बारे में छप गई इस तरह से, ये भाग गए और ये कर लिया। उस खबर को पढ़ के उसे 9 की मतलब रात को या अर्ली मॉर्निंग सुबह 10 को उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया। तो मुझे उसको वहाँ सामने जाम रुके हुए थे होटल में, हमें उज्जैन जाना था, तो वो सामने बॉम्बे हॉस्पिटल था उसमें दाखिल करा, 2 वो वहां रहा। उसके बाद हम लोगों ने कार वहीं छोड़ के हम लोग दिल्ली आए कि हम वापस मेरठ जा रहे हैं, देखें जाके क्या मामला है। तो दिल्ली आके इतने हम 2-4 लोग अपना इकट्ठे हो रहे थे कि अगर ऐसा हो गया तो भाई कुछ लोग लेके चले अपने साथ। तो वो फिर न्यूज कुछ ऐसी पता लगी, वो उसे फिर अटैक आ गया वहाँ। अच्छा। तो उसको फिर मैक्स में दाखिल करा वैसा 2 परपटगंज में। तो उसके बाद इन लोगों ने ऐसा डर बना दिया कि हम तो वहां जा नहीं पाए और इस तरह की खबरें छपवा दी कि 100 करोड़ रुपए लेके भाग गए और नीरव मोदी और जाने क्या क्या छपवा दिया अखबार में। किसने है? किसने छपवा दिया? ये भाई साहब नवीन एंड कंपनी, नवीन था, अमित चांदना था, यही लोग थे। और इसमें हमारा जो एक मैनेजर था आदिल, वो इनसे मिल गया और एक शिखर पाराशर नाम का लड़का है, वो था तो हिमांशु का दोस्त, वो भी मिल गया इनसे। ये सबने मिल के ऐसा माहौल बना दिया कि हम लोग वापस नहीं जा पाए। और मेरे बेटे को तो मैंने फिर भेजा वहां से जबलपुर, क्या करूं क्या, अब इसको लाऊं? डॉक्टर ने इसको एडवाइज करा कि टेंशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, अगर आज भी टेंशन उसको ज्यादा होगी तो उसको फिर वही हो जाता है। उसके बाद मेरे 3 ऑपरेशन पेट के हो गए भाई साहब, मेरी मिसिज का ऑपरेशन हो गया, मैं तो इसी काम में मेरे जो है ना ये 5 साल ऐसे बीते हैं बस भिखारियों की तरह। और इन लोगों ने बीच में रिलायंस से बात करके और वो उसका समझौता करवाया और वो 26 करोड़ रुपए का लोन था, 22 करोड़ रुपए में सेटल हुआ और 22.5 में इन्होंने मेरी सारी प्रॉपर्टी लिखवा दी। उसमें घर भी था, होटल भी था, होटल की कीमत थी 50 करोड़ से ऊपर। जिस प्रॉपर्टी में 26 करोड़ का लोन हो वो कितने की होगी भाई साहब, तो ये कहना है मेरा तो। अच्छा, इसमें नवीन अरोड़ा ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो है
आरोप जो आप लगा रहे हैं पूरी तरह से निराधार हैं, और मैडम बोर्ड के द्वारा ही कर्ज की रकम जमा की गई है, बाकी साथ ही बाकी की रकम आपको दे दी। बाकी रकम उसमें क्या दी? 22,50,000 रुपए मेरे को क्या दे दिया इन्होंने? 22 लाख रुपए तो वहां जमा कर दिया, 22 करोड़। बाईस करोड़ हाँ, तो मुझे क्या दे दिया इन्होंने? बाकी TDS जमा करा इन्होंने, जो TDS जमा हुआ वो मेरे पास आया होगा, लेकिन एक आध दिन का मेरे ख्याल 13-14-15 लाख रुपए का चेक आया था। उस बात से खुद मैं मना कर ही नहीं था। तो इसके इसको पूरा होटल उनके हवाले और पूरी अपनी कार और पूरी भाई साहब 11 करोड़ रुपए का था, उसमें सामान था, मेरा इंश्योरेंस है उस तारीख में 11 करोड़ रुपए का। आप प्रॉपर्टी को तो छोड़ दो, 1900 गज जगह और 55,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग बनी हुई, उसके बाद 11 करोड़ रुपए का उसमें सामान था जो मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, वो इंश्योरेंस आज भी है मेरे पास। उसके अलावा घर, मेरी जो दो गाड़ियां थी वहां ऑडी और BMW वहां खड़ी थी, वो उठवा दी इन्होंने अपने किसी जानने वाले नितिन से, तो आज भी गाड़ियां चल रही हैं, इंश्योरेंस भी हो रहा है उनका रेगुलर। रमेश अरोड़ा कौन है? रमेश अरोड़ा शिखर टेक्सटाइल वाले हैं, जो एक वो क्या कहते हैं साहिल वाले थे उनके भाई हैं ये। अच्छा, साहिल वालों के तो जो विनोद अच्छा, जी थे जिनकी डेथ हो गई। 5 या 6 साल तक गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, अब एकदम से आपके मन में क्या ख्याल आया, कहाँ से क्या? भाई साहब मेरे तो मरा पड़ा था, मेरे पास तो कुछ लोग उन्होंने आगे उत्साह दिलाया कि क्यों मरे पड़े हो, ऐसे कैसे काम चलेगा तुम्हारा, जिंदगी कैसे निकलेगी, तुम अपना जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बताओ तो सही लोगों को। प्रॉपर्टी पे तुम्हारी कब्जा हुआ है जिसकी वजह से इतने कम में सेल हुई, और उसके बाद मेरे घर से मेरे हथियार भी ले गए हैं लोग, तो ये सारी चीजें भाई साहब मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, मैं तो खुद दुबक के जी रहा था। आप बता रहे हैं हथियार ले गए, हथियार कौन से थे आपके? भाई साहब एक क्या कहते हैं राइफल थी, लाइसेंस थी, और एक जो है तो बंदूक थी दुनाली, और एक रिवॉल्वर था। तो ये तो आपके ही नाम होंगे? नहीं, एक मेरे नाम था यार, एक बेटे का नाम था और एक रिवॉल्वर बहू के नाम था। हाँ मतलब आपके परिवार के ही नाम थे ना, तो हाँ आज ये किसके परिवार नाम, के नाम आज किसके नाम पर हैं ये? किसी के नाम पर नहीं है, तो वो तो ट्रांसफर नहीं हुए होंगे ना? ट्रांसफर नहीं हुए तो किसके पास है ये? लेकिन हथियार ये वो उसके पास है शायद, शिखर पाराशर के पास। इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी है आपके ऊपर उस समय था या कुछ? नहीं, मेरे को डायरेक्ट तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन नवीन अरोड़ा हमेशा यही कहता था कि इसमें सांसद जी पार्टनर है। कौन सांसद? और यही कह के धमकाता था। कौन सांसद पार्टनर बताता था? सांसद राजेंद्र अग्रवाल के लिए कहता था कि मेरे पार्टनर है वो। आपकी कभी उनसे बात हुई सांसद जी से? नहीं, मेरी बात नहीं, क्योंकि मैं उसके बाद कभी मेरठ ही नहीं आया। पहले हुई हो जब ये सौदेबाजी चल रही थी? नहीं नहीं, मेरी मेरी उनसे कभी बात नहीं, फेस टू फेस हुआ कभी? मुझे तो ये ही कहते थे ये लोग ही, मेरे को तो यही लोग बोलते थे, मेरे ना मेरी उनसे कभी बात नहीं। BJP का वोटर जरूर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा उनसे कभी डायरेक्ट ऐसा नहीं था। अब आपने मुख्यमंत्री योगी जी से शिकायत की है इसकी? हाँ, मेरे पास जो लोग आए थे उन्होंने यही कहा कि यार तुम ऐसे टाइम में मरे पड़े हो, इस टाइम तो योगी जी जो है कोई कब्जे वब्जे वालों को तो सालों को पकड़ पकड़ के बंद कर रहे हैं, तुम कहाँ मरे पड़े हो? तो मेरे ख्याल से तो ये बड़ा दुर्भाग्य रहा ना मेरठ के लिए कि एक तरफ आप चले गए और आपके जाने के बाद फिर हरिओम जी ने आत्महत्या कर ली। हाँ, वैसे दुर्भाग्य ही था, पर हम दोनों जो है कैसे संबंध थे ये आपको पता ही है। हाँ, अच्छे संबंध हैं आप लोगों के तो। आप भी रहे हो उस समय दैनिक जागरण में भी रहे हो आप, तो आप पुराने लोग हो। तो आपको योगी जी से उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है भाई साहब, न्याय मेरे को मिलेगा, अगर इस गवर्नमेंट में भी न्याय नहीं मिला तो फिर तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो न्याय में आप क्या चीज क्या चाह रहे हैं, क्या किस तरह का न्याय होना चाहिए? मैं ये चाह रहा हूँ इसकी प्रॉपर जांच हो जी, मैं ये नहीं कह रहा किसी को कुछ कर दो, मेरी तो इस केस की प्रॉपर जांच हो जाए कि भाई ये कैसे क्या हुआ है, मेरे से जो पावर ऑफ अटॉर्नी लिखाई गई है वो वैलिड है, कैसे प्रेशर में ले रखा था, 3 दिन में सारे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गए। अच्छा। बॉम्बे में भी, दिल्ली में भी, इलाहाबाद में भी, इसकी थ्रू थोड़ो जो है जांच हो जाए एक बार, जो भी अधिकारी हो सक्षम अधिकारी हो इसकी जांच कर लें, अगर इसमें कुछ गलत है तो उनको दंडित कर दे, नहीं तो मुझे कर लें। ठीक है पुरी साहब, धन्यवाद, फिर बात होती है आपसे। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट ऑन TV। नमस्कार।
Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut.